तो मैं करने जा रही हूँ करवा चौथ का मेकअप फास्ट फास्ट बहुत जल्दी से, और सारा चीजें मैंने पहन ली है और चलिए रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा लिया है सेटअप फिर मॉइस्चराइजर और सब कुछ मैंने पहन के रेडी हो गया। मुझे बहुत जल्दी से रेडी होना है बिकॉज टाइम काफी हो गया है। आपका फुल मेकअप वीडियो आप देखेंगे मेरे अगले वीडियो में, और यहाँ पे बस मैं फास्ट फास्ट रेडी हो रही हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बस रेडी हो रही हूँ फॉर करवा चौथ मेकअप, और इसका वीडियो आपने जल्दी ही देखेंगे। अगर आपको मेकअप वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा इसके लिए। तो चलिए, रेडी होकर पूजा कर रही हूँ, और ये देखिए हमारे यहाँ नीचे पूजा बैठकर करते हैं, और पति देव ऑन कॉल है वीडियो कॉल पे, तो मैं उनको ऐसे ही देखकर पूजा करूँगी बिकॉज़ उन्हें ऑफ नहीं मिला है और वो नहीं आ पाए हैं। तो ये मैंने भोग लगा दिया है, पूजा का सारा पूरी तैयारी कर ली है, चिराग जलानी है और अभी मुझे कथा पढ़नी है। तो नीचे बैठकर हम यहाँ कथा पढ़ लेंगे, और अभी चंदा मामा नहीं निकले हैं, सिर्फ उनका इंतज़ार हो रहा है। तो जब तक मैं पूजा गेम लगा हुआ है केन केन मेरे, तो आप समझ सकते हो कि जब लहंगे में केन केन लगा हो तो नीचे बैठना कितना मुश्किल है। तो यहाँ मैंने स्टूल पे बैठ के पूजा करी, और थोड़ा अनकंफर्ट था नीचे बैठ के पूजा करना, और मैंने यहाँ कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ ये करवा चौथ माता का इस तरह से कैलेंडर आता है, और उस पर कथा लिखी होती है जो पूरी कथा हमें पढ़नी होती है। तो ये वीडियो कॉल पर पति देव हैं, और मैं उनको भी कथा पढ़कर सुना रही हूँ। और अभी हम आ गए हैं छत पर पूजा करने, और चांद बहुत अच्छे से निकल आए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ भोग बनता है उससे मैंने उनको भोग चढ़ाया है, और सारा ये देखिए छलनी में दिया रखकर देखा जाता है। फिर उसके बाद कॉल पर, आपने कभी देखा होगा वीडियो कॉल पर पति को देखना कितना मुश्किल होता है, और वैसे ही पूजा करना होता है, पर क्या करें, मजबूरी है, ऐसे नौकरी है कि हमारे लिए यही करना पड़ता है, और हर साल मुझे ऐसे ही पूजा करनी पड़ती है। कभी कभी मैं चली जाती हूँ, बट इस बार नहीं जा पाई कुछ मजबूरी की वजह से। तो ये देखिए, और वीडियो कॉल पे ही पूरी पूजा हो रही है, पर चंदा मामा बहुत अच्छे से निकल आए हैं, और बहुत अच्छी सी पूजा हो गई है मेरी। मैं नीचे और पति देव वीडियो कॉल पर ही हैं, तो मैं उनको ही देखकर व्रत खोल रही हूँ। और ये मैंने सुबह से अभी खाई है मिठाई, तो ये मेरी फेवरेट मिठाई है, इसलिए थोड़ा सा पूरा दिन व्रत रहो, पानी भी मत पियो, तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा खाने का, अपना फेवरेट खाने का मन होता है, और ये सुबह से मैं अब पानी पी रही हूँ। तो खाना मिले ना मिले, लेकिन जो पानी का काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी कर सकता है। खाना आप एक दो दिन बिना खाए रह सकते हो, और पूरा दिन के बाद जो पानी की एक घूट जाती है उससे जो तसल्ली मिलती है वो खाने से भी नहीं होती है। तो हमारा पूरा व्रत, दिन का जो व्रत भी होता है वो सिर्फ पानी पीने से ही ख़त्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी मैं इस समय, बिकॉज ऐसे टाइम में भी हस्बैंड साथ नहीं होते तो थोड़ा सा इमोशनली मोमेंट होता है ये हम दोनों के लिए, और वो भी वीडियो कॉल पर हैं, और थोड़ी देर हम लोग शांत है बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है नहीं हुए हैं, और ये मोमेंट हमारे लिए दोनों के लिए बहुत क्या बताएं, ऐसा रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, और फिलहाल इस मोमेंट से बाहर निकल के मैंने सोचा वो तो वहाँ अकेले हैं, तो बात को, टॉपिक को चेंज किया जाए, और बस खाने पीने की बातें होने लगी हैं अभी यहाँ पे। मैंने सारा जो खाना बनाया था ये मैंने पूरा खाना अकेले बनाया है, और ये था हमारा आज का डिनर। पूजा उजा हो गई है, डिनर भी कर लिया, और मैंने चेंज कर लिया है ये देखिए, और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर, ऐसे ही थोड़ा मिल के आते हैं सोचा।
तो चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ। और ये देखिए मेरा मेकअप फाइनल लुक फॉर करवा चौथ। और सोचा जब इतने अच्छे से रेडी हुए तो थोड़ी सी रील्स बन जाए, तो ये इंस्टाग्राम के लिए मैं रील बना रही हूँ। और मुझे वैसे बहुत ज़्यादा तो अच्छी सी एक्टिंग नहीं करनी आती है, बट जो हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये इंस्टा की एक दो रील है, और अगर आपने नहीं देखी तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स देखिएगा। और भी मैंने बहुत सारी रील्स डाली हैं, तो ज़रूर जाके देखिए इंस्टा पे मेरे। The next morning. मॉर्निंग में आ गया है मेरे पार्सल, तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है फॉर दिवाली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। तो मैंने ये सब दीवान सेट और बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं जो मैं दिखाऊंगी आपको बहुत जल्द। और ये देखिए फाइनली हम मैं और मेरी फ्रेंड आ गई हूँ एक लेडीज़ इवेंट में, और ये है करवा चौथ की पार्टी। सारी लेडीज़ ने मिलके एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पर हम और मैं और मेरी फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये देखिए, और बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल लेडीज़ थी जिन्होंने करवा चौथ के लिए किया था। और ये चल रही है पूरी करवा चौथ क्वीन कंपटीशन की तैयारी, जिसपे मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत मज़ा आई थी, और काफ़ी सारे देखिए इतने सारे लोग हैं लाइन में क्यू में। तो ये मैं अपनी ड्रेस दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मैंने ड्रेस पहनी थी, और ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। देखिए मेरी फ्रेंड ने भी पूरा पार्टिसिपेट किया है, और बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही थी। और फुल ऑन कंपटीशन हो गया है, काफ़ी सारे लोगों ने जो बहुत अच्छा अच्छा वॉक किया है, और जजेस के लिए काफ़ी टिपिकल। हमारा डांसिंग कंपटीशन, तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा डांस किया है। और ये जो हमें म्यूज़िक दी गई है ये हमें पता नहीं थी, तो बस अचानक से म्यूज़िक पे आपको डांस करना है जो भी जजेस दे दें। तो ये रहा था मेरा डांस। हम लोग कंफ्यूज हो गए इतने सारे, हमारे पास एक ही क्राउड है, ठीक है? तो हाथ उठाइए, एक दो तीन चार पाँच छः और फाइनलिस्ट में शामिल हो गई हूँ, और देखती हूँ क्या होता है आगे, मेरा विनर होती हूँ कि नहीं। नीतू के लिए, नीतू के लिए हाथ उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बात है, 10 वोट्स आपने कलेक्ट किए, थैंक यू। वंदना, वंदना के लिए हाथ उठाइए, फाइनल क्राउन जीत लिया। तो ये मैंने जीता है करवा क्वीन, जो करवा चौथ क्वीन के लिए मेरा अवार्ड था, और ये फर्स्ट रनर अप थी मैं। और ये देखिए उसके बाद सारे ही जितने लोग थे सबने मिलके खूब डांस किया, डांडिया हुआ हमारा, तो काफ़ी इंजॉय हुआ। और ये देखिए जो विनर्स थे उनके साथ सबकी पिक्स ली जा रही थी, और बहुत अच्छा लगा, मोमेंट बहुत अच्छा था, और काफ़ी सारे लोगों के साथ मज़ा आई। और ये हमारा फ्रेंड के साथ तो चलता ही रहता है, ये देखिए हमारी गपशप। और हम लोग की डांडिया फिनिश हो गई है, म्यूजिक बंद करो। डांडिया फिनिश होने के बाद हम लोग आए हैं बनारसी चाय में चाय पीने, क्योंकि बहुत थक गए हैं डांस कर करके। और ये देखिए ये है बनारसी वाला, सॉरी दिख नहीं रही, बनारसी वाली की चाय। अब बस समीन आया हम लोग को लेने, बस चाय का एंजॉय करते हुए। देखिए हमारी डांडिया थी ये जस्ट उसके पास ही, जहाँ से मैं अपने सलोन के लिए प्रोडक्ट्स लेती हूँ वो शॉप थी। तो मेरी फ्रेंड को कुछ लेना था, और हम लोग वैसे ही लहंगा पहने हुए ही शॉपिंग में आ गए थे, तो वहाँ सारे लोग हमें बहुत घूर घूर के देख रहे थे कि ये। The next morning.
दूसरा दिन, आज है दूसरा दिन और आज है अविराज का बर्थडे। तो ये हम लोग दिन भर तो आज दिवाली की सफाई साफ सफाई में रह गया, तो मैंने अभी शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज़ पूरा दिन साफ सफाई में लग गया, दिवाली सफाई हो रही है और फाइनली इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम आ गए हैं। तो ये देखिए अविराज का बर्थडे सेलिब्रेशन का स्पॉट। और यहाँ हम लोग ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया था बिकॉज़ इतना मूड नहीं था, थके हुए काफ़ी थे और यहाँ सिर्फ चिली पनीर और फ्राइड राइस खाया। ऊपर देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, और अभी हम कट करेंगे केक, मैं भी लेके आई हूँ। तो बस केक कटिंग के लिए ऊपर आए हम लोग और काफ़ी अच्छा बना हुआ है अभी, और उसके ऊपर भी देखने गया है क्या है, फिर हम कट करेंगे। और ये देखिए हम लोग बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हैं और ये देखिए Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अच्छा है, इस बार मैंने कुछ नया फ्लेवर किया है और ऑर्डर किया था ये, और ये था आलमंड्स एंड हनी। तो बहुत टेस्टी केक था, मज़ा आ गई केक खा के, एंड अविराज खुश है अपनी पार्टी से, बस और क्या चाहिए। डांसिंग के और बस वीडियो डालने में एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें सॉन्ग नहीं डाल पाते हैं और विदाउट सॉन्ग डांस अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन क्या करें सॉन्ग नहीं डाल सकते। और ये रहा बर्थडे बॉय, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया इसका बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे की नाइट, क्योंकि हम आ गए हैं डांडिया में और ये कोई डांडिया में स्पेशल वीआईपी गेस्ट एंटर कर रहे हैं और हमारे भी एंट्री हो रही है। यहाँ मेरी फ्रेंड और मैं, हम लोग सब फ्रेंड के साथ आए हुए हैं। तो ये हुई डांडिया में हमारी एंट्री, बहुत सुंदर डेकोरेशन था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंट्री होते हुए ही बहुत अच्छा लगा। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और ये देखिए मेरी फ्रेंड जो एंट्रिंग करा रही है अपनी, और मज़ा आ रही थी सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। और अभी तो हम एंटर कर रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या होता है। तो ये देखिए नायशा ने भी आज लहंगा पहना हुआ है और ये रही हमारी फैमिली पिक्चर, और ये सारे लोग मस्ती में। और बस यहाँ का यही है कि मैं सॉन्ग्स नहीं डाल सकती हूँ, आप इंजॉय कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे ही लोग कलरफुल ड्रेसेस में, और डांडिया में ख़ास बात अच्छी लगती है, सब कलरफुल होते हैं तो मज़ा बहुत आती है। और खूब मस्ती करी, काफ़ी डांस किया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे यहाँ पर, तो मज़ा आई। गेस्ट में एक सतीश महाराज डांडिया में भी, तो सारा उन्हीं का वेलकम हो रहा है।
ग्रुप आया था जिन्होंने बहुत अच्छा डांस प्रिपेयर किया था और इनका कंपटीशन थे, कुछ ग्रुप्स आए थे जिनके बीच कंपटीशन था, तो बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने डांस करके। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं, ये लिखिए। हो गई हैं फॉर डांसिंग, तो ये देखिए उसको बहुत मज़ा आ रही है। और डांस डांस की जहाँ पे होता है वहाँ नाचना बहुत मज़ा आती है, और अभी भी डांसिंग मूड में। तो काफ़ी ग्रुप्स थे और हम लोग ने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये लोग डांस कर रहे हैं। नाशा तो रुकती ही नहीं है जब डांसिंग के उसमें आ जाती हैं। बाद हम लोग एक ढाबे में आ गए हैं डिनर करने के लिए, और ये सारे ही लोग काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था, तो ये हम लोग एक ढाबे पे रुके हुए हैं डिनर के लिए। और चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंजॉय किया आपने मेरा वीडियो देख के, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।